तो क्वेश्चन है, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स, अर्थ घूम रही थी, ये देखो अर्थ के पास क्या एनर्जी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वो एकदम रुक गई और सारी एनर्जी टेम्परेचर रेज करने में लग गई, तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, एम सी डेल्टा थीटा या एम एस डेल्टा थीटा, वेयर एस इज द स्पेसिफिक हीट इस केस में। अब कई लोग पूछते हैं सर जे लगाना है कि नहीं लगाना, हर क्वेश्चन में लगाना है कि लगाना, ऑब्जेक्टिव देख के। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में जे लगा हुआ है, यानी कि एनर्जी का कन्वर्जन किया हुआ है जूल और कैलोरीज में। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। जो अर्थ है वो एक सॉलिड स्फेयर है, वो हॉलो नहीं है, और अगर सॉलिड है तो आई की जगह 2/5 mr² ये वैल्यू पुट की जाएगी, एम से एम कैंसल और डेल्टा थीटा की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या लॉजिक है इसका। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो हॉलो स्फेयर है और ये वाला क्वेश्चन सॉलिड स्फेयर है, तो 2/3 mr² की जगह 2/5 mr² है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है यहाँ तक, राइट। मैंने ये कहा अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, ये असम्पशन है, वो इस मोशन में नहीं ली हमने, नहीं ली, वैसे घूम रही है अभी भी, तो उसकी एनर्जी जो है हाफ एम वी उसके पास ही है, ठीक। अब इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, किसी का हुआ सेकंड ट्राई किया, एक बार ट्राई करना, इसका आंसर चेक करना, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। लूप का मतलब रिंग होती है, एक बार ट्राई कर लो प्लीज, लूप का मतलब रिंग है और रिंग का मोमेंट इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, एक बार खुद ट्राई कर लो। इसमें बता रहा हूं, आ गया कितना, 1:2, 2 सही। देखो आपको ना कई क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, एक बार सीख लो। जब कोई बॉडी क्या करती है, रोल करती है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है दैट इज सम ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का होता है, हमने याद किया। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ऐसे किया था, फिर इन दोनों को ऐड करके आंसर आया था, ऐसा ही कुछ था। तो अगर मैं ये पूछूं कि रोलिंग दो मोशन से बनी हुई है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, तो व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो एसोसिएटेड है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी 1 + k² / r² ये आंसर। और अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो एसोसिएटेड है किसके लिए, ओनली रोटेशनल, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर देना है आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है। अगर वो फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल पूछेगा, रोटेशनल को टोटल से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन ट्रांसलेशन पूछेगा तो ट्रांसलेशन को टोटल से डिवाइड करेंगे। अब तुम देख लो तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें रोटेशनल पूछा है। तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन कैसे निकलेगी, कि दो एनर्जीज है ना, तो ये तो रेशियो निकाल रहे हैं, या तो ट्रांसलेशन की रेशियो निकाल दो या फिर रोटेशनल की रेशियो निकाल दो। तो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मेरे इस क्वेश्चन के अंदर इसमें सेम नहीं आएगा आंसर, ट्रांसलेशन की फ्रैक्शन अलग है, रोटेशनल की अलग है, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। वो देखो क्वेश्चन पे अगर आया ट्रांसलेशन की फ्रैक्शन निकालो तो ट्रांसलेशन का फ्रैक्शन अलग है, रोटेशनल का फ्रैक्शन निकालो तो रोटेशनल का फ्रैक्शन अलग है, दोनों अलग आंसर आएंगे। जैसे
मेरे को मेरे क्वेश्चन में एक लूप दिया हुआ है, लूप इज अ रिंग, और वो कह रहा है वो क्या कर रहा है, वो रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के नीचे आता हुआ। अगर वो रोल कर रहा है उसके अंदर दो किस्म की एनर्जीज हैं, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशनल भी है। उसने कौन सा फ्रैक्शन पूछा, फ्रैक्शन एसोसिएटेड विद ओनली रोटेशन, तो न्यूमिनेटर में क्या आएगा रोटेशनल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा टोटल, रोटेशनल में क्या आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल में क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो निकालना क्या है ये समझ में आता है। अब फ्रैक्शन में सब कुछ इसमें काटना पड़ेगा क्योंकि ये लूप है, तो आई का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और क्योंकि रोलिंग हो रही है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है, तो तुम ओमेगा की जगह पुट कर सकते हो वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जानबूझ के वी की फॉर्म में ताकि ऊपर नीचे का वी कैंसिल हो जाए, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो ना, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, वी स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और क्योंकि रिंग है, रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होता है वन, तो फिर आंसर क्या आ गया वन इज टू। बाकी तो सॉल्व ही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं टोटल ही है, देखो रूलिंग है वो तो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ता जाए या स्मूथ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, टोटल तो यही रहेगी हमेशा, ये तो चेंज ही नहीं होती, इसको फर्क क्या पड़ता है एनर्जी को, तो वेक्टर है कि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो टोटल एनर्जी एनर्जी है, कोई फर्क ना पड़ता, फॉर्मूला सेम है, वी चेंज होता जाएगा बस, टॉप पे वी जीरो हो जाएगा नीचे वी बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला फैक्टर क्लियर है ना, इस फैक्टर में वैल्यूज कैसे पुट करके सब कुछ कट करना है, ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है कि कैसे इसको कट करना है। देखो कट तो करना ही पड़ेगा, या तो डिनोमिनेटर में पुट कर दो वी इक्वल टू आर ओमेगा तो भी कट जाएगा, या ओमेगा की जगह वी बाय आर तो भी कैंसिल हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या इसका लॉजिक है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि क्या गिवन है थीटा, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रहा है, आपको क्या निकालनी है लीनियर एक्सेलेरेशन, कोई बताएगा ये लीनियर एक्सेलेरेशन कौन सी एक्सेलेरेशन होती है, मतलब सेंटर ऑफ मास, तो आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन निकालनी है, क्योंकि लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन में सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन आज कर तो ली, जी साइन थीटा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इस बॉडी कौन सी है स्फेयर, स्फेयर के लिए क्या पुट करेंगे 2/5, आंसर ये आंसर नहीं है 5g/14, अच्छा करेक्ट क्वेश्चन कर लो 5g/14 है, ओके डी है। फॉर्मूला पता लग रहा है कि कब कौन सा लगाना है, ठीक है और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बी है, करते जाओ आगे। एक सॉलिड सिलेंडर है और मास एम है और रेडियस आर है, रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है जी, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, मैंने बताया था विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग है और बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहा, और अगर प्योर रोलिंग है तो एक फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, प्योर रोलिंग का मतलब वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है। अब वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, जब वो नीचे पे नीचे आएगी, आज हमने किया ना, मैंने तो ये मोशन से कर दिया, जरूरत ही नहीं है, आप एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, पोटेंशियल यहाँ काइनेटिक यहाँ पर क्या है जीरो, पोटेंशियल क्या है mgh, नीचे काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस ये लो, और पोटेंशियल क्या है जीरो, इक्वेट करो क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है हाफ, क्योंकि हाफ एम आर स्क्वायर होता है, इक्वेट करो और वी निकालो और चेक करो। स्टिक, स्टिक रोल करेगी, मैं अभी पूछूंगा वो क्वेश्चन को, आ रहा है, स्टिक भी गिरेगी, स्टिक भी गिरेंगे, आने वाला है।
अच्छा अगला क्वेश्चन यही है क्या स्टिक वाला, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। ये आंसर क्लियर है या आगे आंसर इक्वेट कर लो, वी निकाल लो और ऑप्शन मार्क करो, बी आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वेट करो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को हाफ पुट करो, ठीक। तो फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मीटर स्टिक, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो और किसी का हो जाए तो मेरे को बताओ कि मेरा हो गया, मैं भी सुनना चाहूंगा कि कैसे हुआ। हाँ मैं हिंट देना चाहता हूं, अगर एक स्टिक ग्राउंड पे खड़ी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो, मास इसका एम है, जी है और लेंथ एल है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी। अगर तुमने एच बोल दिया ना तो तुमने अपने 10 दिन खराब किए पोटेंशियल एनर्जी वर्क पर एनर्जी के ना, सेंटर ऑफ मास भाई, चेन और रॉड तो होती सेंटर ऑफ मास से है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने ये करवाया भी था कि मास हर जगह है, तो तुम सेंटर ऑफ मास ले लिया करो, और सेंटर ऑफ मास से हाइट कितनी है, एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू है पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है वो चेन पानी रॉड सब सेंटर ऑफ मास से एनर्जी निकलती है। अब ये रॉड गिर गई नीचे तो इसकी एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ लगाओ, बस इतना ही बोल, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब तुम एक बार सोचो इसको कैसे लगाना है, आ गया अभी कैसे, अब क्या किया, एम जी इन टू एल बाई टू, हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहला स्टेप ठीक है, आई क्या पुट किया, आई क्या पुट किया, एम आई स्क्वायर 12 नहीं आ सकता, 3 सही किया, 3 सही किया, फिर क्या आया ओमेगा, फिर अगला स्टेप क्या किया, ओमेगा पूछा है इसने ना, वी पूछा है, वी पूछा है इसने, ओमेगा नहीं पूछा, ओके कॉपी कॉपी खोल लो, कॉपी खोलो, इसमें चार किस्म के क्वेश्चन आते हैं वो चारों नोट कर लो, ये तो एक ही पूछा है उसने, वी इक्वल टू आर ओमेगा से करना है, एल हो जाएगा, सही है। लिखो देखो इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक, लिखो क्या टेक्निक है, इस क्वेश्चन में ऐसे लिखो, मान लो ये आपके पास एक थिन रॉड है, ये ग्राउंड है, ये रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो एल है, ये रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, मास कितना है, एम है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, ये रॉड यहां पे हिंज्ड है, पेच लगा दिया, स्क्रू लगा दिया, बस ये गिर सकती है, ये घूम सकती है, एक्सिस सेंटर से ही पास हो रहा है, एक्सिस चेंज नहीं होगा, मतलब अगर इसको छोड़ दिया ये गिर जाएगी पर ये वाला कोना बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, सही है। तो यानी कि अगर ये नीचे गिरती है, चलो नीचे गिर देते हैं, ये नीचे गिर गई, जब नीचे गिरी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, ओ पॉइंट होगा, जब नीचे गिरी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ओ हो गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो बोलो जब ये रॉड घूम रही होगी इसका आई क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, समझ में आया कैसे,
क्योंकि ये टेंजेंट है रॉड का, क्योंकि जो रॉड है वो ऐसी है, और अगर एक्सिस ऐसा होता तो एम एल स्क्वायर बाय 12 है, ऐसा है तो 3 है, तो एम एल स्क्वायर बाय 3। गुड आउट इसमें, तो यहाँ पे आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 3 है, राइट right? क्लियर है। नेक्स्ट है, जब ये रॉड यहाँ पे है तो इसकी पोटेंशियल, इसके पास कौन सी एनर्जी है, एक ही एनर्जी है, कौन सी, पोटेंशियल, कितनी, एम जी इंटू एल बाय 2, सही है। जब ये रॉड नीचे गिरी, बोलो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर की पैराबोला, ठीक है, पैराबोला नहीं होती इसमें क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा, एल बाय टू और एल बाय, चलो ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, बट सर्कल होगा, राइट। तो नीचे गिर गया, सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, जब ये जमीन पे लेट गई पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। जब ये जमीन पे लेट गई पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। कोई डाउट इसमें? तो जब ये घूम रही थी तो ये बताओ ये मोशन आपको कैसी दिख रही है, ट्रांसलेशन मींस प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन या रोलिंग, प्योर रोटेशन यानी कि खड़ी खड़ी घूम रही है ये बॉडी, सही है, क्यों, एक्सिस ये रहा और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब बॉडी का ऐसे चलना, प्योर रोटेशन का मतलब एक एक्सिस के अबाउट घूमना, और रोलिंग अगर का कॉन्सेप्ट है टेबल के ऊपर घूमना भी और आगे भी चल, ऐसा तो नहीं हो रहा कि घूम भी रही है और सेंटर ऑफ आगे चल रहा है, नहीं चल रहा, क्लियर है, अपनी जगह पे घूम रही है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मत लगा देना क्योंकि रोलिंग थोड़ी ना हो रही है इसमें, इसमें तो प्योर रोटेशन है। तो इनिशियल एनर्जी एम जी इंटू एल बाय टू किसमें कन्वर्ट हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और किसी को यह चीज और क्लियर करनी है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, वर्क एनर्जी थ्योरम जो ये कहती है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वल टू क्या, जीरो। हाँ कोई ऐसे सीख सकता है तो इट्स ओके, पर अगर ऐसे करना ऐसे कर लो, कैसे, पोटेंशियल की वैल्यू फाइनल कितनी है, जीरो, इनिशियल कितनी है, ये रही फाइनल एंड इनिशियल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल क्या थी, जीरो, सॉल्व करो यही आएगा, मतलब मर्जी है, मतलब ये भी एक तरीका एक्सप्लेन करने का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो या वैसी कन्वर्ट कर लो, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, सबको मालूम ही है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, कैसे, एम जी एल बाय टू इज इक्वल टू हाफ, आई का फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, एम से एम कैंसल, एल से एक एल कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3 जी बाय एल। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक? तो यहां पे क्या आ गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में ये मेंशनड है कि ये मीटर स्टिक है, देखो जो मीटर स्टिक होती है उसकी लंबाई क्या होती है, 1 मीटर, तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू जी रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा आ गया। तो पहला क्वेश्चन, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओमेगा पूछा होता है, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल ही लोगे, ओमेगा पूछा और रेडियंस पर सेकेंड यूनिट से पता लगता है, वो भी पूछ रहे हैं। मैं तो आपको सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं तो, वो तो एक क्वेश्चन है, वो तो बता ही दूंगा मैं, तो रास्ते में कभी कभी किसी क्वेश्चन में ओमेगा पूछा होता है तो ये ओमेगा मार्क कर लेना, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा होता है इसके अंदर कि ये जो कोना देख रहे हो रॉड का, इसने कितनी वेलोसिटी v से हिट किया ग्राउंड को, ये पूछा होता है। देखो इसमें क्या करने वाले हैं हम, तो अगर मुझे ये निकालना है,
ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालना है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो कोना है ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री का फॉलो करेगा, हाँ, सेंटर ऑफ मास, सर्कल, और वो कैसे यार, रॉड रिजिड बॉडी है, आधी आधी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी ना होगी, सर्कल ही है ये भी, क्योंकि देखो ना सर्कल रेडियस क्या है, एल, और यहाँ भी क्या है, एल। भाई सेंटर ऑफ मास में ज़्यादातर सर्कल ही बनते हैं ऐसे रॉड्स में, रिजिड बॉडीज में, ठीक है यहाँ तक। तो मेरे को अब ये सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा इक्वल टू आर ओमेगा, आर कितना है, एल, क्योंकि एल रेडियस में रॉड घूम रही है, और ओमेगा कितना है, अंडर रूट ऑफ 3g। अब एल की वैल्यू तो 1 पता ही है आपको, तो इसलिए ये आंसर आ गया। काफ़ी लोगों का ओमेगा भी इसके साथ मैच कर रहा था, क्योंकि उन्होंने वी नहीं निकाला, तो ओमेगा वी इसमें एक ही बात है, यूनिट्स डिफरेंट है। पर कल को अगर तुम्हें रॉड की लेंथ 2 मीटर की बनाए, तो फिर 2 पुट करना पड़ेगा, ओमेगा और वी में फ़र्क आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि वो कोना कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। फिर नेक्स्ट है, इस कोने के बाद अगला क्वेश्चन है कि आप ये बताएं, वो कहेगा सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को। सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहे हैं, ऑफ रेडियस L/2, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वी सेंटर ऑफ मास, रेडियस कितने हैं, L/2, ओमेगा कितने हैं, अंडर रूट ऑफ 3g, तो वी सेंटर ऑफ मास, एल की वैल्यू हाफ, ये लो ये आंसर आएगा फाइनल, दिस इज द आंसर। अब तुम्हें क्या पूछा है तुम देख लो, तुम्हें तो कोने की वेलोसिटी पूछी है, सेंटर ऑफ मास की नहीं पूछी, पर अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो वो रेडियस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ओमेगा तो सबके लिए सेम ही रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं। ये वाली, ये बड़ा सर्कल है, ऑफ रेडियस एल, वी इक्वल टू एल ओमेगा, ये छोटा सर्कल है, वी इक्वल टू L/2 इनटू ओमेगा, है ना, पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो जब रॉड गिरेगी तो ऐसे क्वेश्चन करने समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और बनता है, वो आपको होमवर्क दूंगा, आप सोच के आना, रॉड पूरी जमीन पे नहीं घेरूंगा, किसी भी इंस्टेंट पे रोक लूंगा और आंसर इंस्टेंट पे पूछूंगा, दूंगा होमवर्क, आप एक बार करके आएंगे तो पता लगेगा आपको, मतलब थीटा एंगल पर उसकी वेलोसिटी पूछूंगा, तो आप एक बार ट्राई करना, ऑब्जेक्टिव आएगा अभी शीट में ही है। बट हाँ, कॉन्सेप्ट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सेम है उसमें, बस एक फर्क होगा, ज्योमेट्री से हाइट अगर आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है यहाँ तक। ये तो केस क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहाँ से आंसर 5.4 आ रहा होगा, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, आगे करते जाओ। सी आ रहा है, सी, दो केस बनाने हैं, एक स्लाइडिंग का और एक रोलिंग का। पहले केस में बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्लाइड कर रही है, दूसरे केस में बॉडी रोल कर रही है। स्लाइडिंग में एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है, रोलिंग में जी साइन थीटा अपॉन 1+k² / r² है। असाइनमेंट किसके पास नहीं है, देखना, इधर से हाथ खड़ा करना, पीछे से, यहां से, उधर से कर दो, चलो। इधर से इधर कंप्लीट करो पहले, यहां से ये रहे, यहां से ये रहे, इधर। अच्छा, पीछे से, इधर से, पीछे पीछे,
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बॉडी है जिसका मास m है, स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड रीचेज द बॉटम विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाती है और वेलोसिटी कितनी है इसकी v, स्लाइड डाउन, रोलिंग मत लगा देना, स्लाइडिंग है, ये लॉज ऑफ मोशन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये बॉडी रिंग होती तो नीचे उतरने की वेलोसिटी क्या होती। तो एक काम करते हैं, पहले स्लाइडिंग का केस लेते हैं। स्लाइडिंग में इक्वेशन क्या लगेगी, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू ए की जगह जी साइन थीटा इंटू एस, इक्वेशन नंबर वन। और रोलिंग में क्या लगेगी, बस फर्क यह है रोलिंग में वेलोसिटी वी डैश हो जाएगा और एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा बाय वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगी। बनाओ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड इक्वेशन बनाओ, नीचे उतरने की वेलोसिटी वी डैश है तो वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू इंटू एक्सेलेरेशन की जगह जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एस। इन दोनों को डिवाइड करो आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो टू को वन के साथ और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग का वन होता है। इसे चेक करो वी डैश और वी की रेशियो निकालो क्या आ रही है, वी डैश निकालना इन टर्म्स ऑफ वी। चेक करो आ गया आंसर, बी ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है वी बाय रूट टू आ रहा है। डिवाइड करके डिवाइड करो इसे, तो सॉलिड स्फीयर है, बॉल इज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर एट करना है। कितने लोगों का क्वेश्चन एट हो गया, हो गया, अच्छा रुको रुको, कॉन्सेप्ट क्या लगाया पहले ये बताओ, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, बस पोटेंशियल नहीं ली। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की पहले ट्रिक सीख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो आपकी बुकलेट में ही मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, वैसे मैंने रॉड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है आपकी बुकलेट में सारा, रॉड वाला भी किया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्लीज़ एक बार देखें, ये अलग है वो अलग है, मैं ये करवा रहा हूँ वो आप एक बार खुद करके देखना। ठीक है, आंसर आपका आ गया लेकिन लगा के ऐसे देखना है। ध्यान आगे प्लीज़, ध्यान आगे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पुली गिवन है। ठीक है जी, एक पुली गिवन है, ये एरो ऐसे कर लो, एरो उल्टा है, एक पुली गिवन है, एक स्ट्रिंग गिवन है, रस्सी गिवन है और एक मास गिवन है। ध्यान इधर प्लीज, ये मास मैंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी अभी क्या है, जीरो। ठीक है, अगर ये मास मेरे हाथ में है पुली बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, तो क्योंकि पुली का भी मास है तो पुली की एनर्जी लेनी पड़ेगी, पुली की पोटेंशियल तो क्या ही करोगे लेके, वो तो चेंज ही नहीं होगी, पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो जनरेट करेगी, खड़ी खड़ी घूम रही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो होगा ही होगा, सही है। पर क्योंकि मैंने मास को छोड़ा ही नहीं, पुली घूमी नहीं, तो इसकी इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, अभी कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं छोड़ने वाला हूँ, मैंने मास को छोड़ दिया। जब मैंने मास को छोड़ा, ये नीचे 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 गिर रहा है किसी भी इंस्टेंट पर, अभी और नीचे गिर रहा है किसी भी इंस्टेंट पर, ये कितना नीचे गिर चुका, एच नीचे गिर गया, अभी रुका नहीं है, अभी और भी नीचे गिर रहा है, पर ये इंस्टेंट की बात हो रही है, तो उस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी। ये और नीचे जाएगा तो वी चेंज हो जाएगा, पर चलो इस एच डिस्टेंस में वेलोसिटी वी है, आपको क्वेश्चन में वी निकालना है कितना होगा जब ये एच डिस्टेंस नीचे गिर रहा है। अभी तो गिरता जा रहा है तो पुली तो घूमना स्टार्ट होगी होगी, तो ऐसे केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, आप इमेजिन कर लें कि आपका ग्राउंड है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट को ग्राउंड मान लेते हैं जहां पर हमें वी निकालना है,
तो हम क्या करेंगे, ये और ये ब्लॉक और पुली एक सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक के चलने से पुली और मास दोनों की एनर्जी चेंज होने वाली है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी और बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी को इक्वेट करेंगे। अब इस ब्लॉक के पास सिर्फ दो ही एनर्जीज हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल बस, और इसके पास सिर्फ एक एनर्जी है और वो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बस। तो जब ये मास यहां पर है तो मैंने क्या लिखा, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक, तो ये टोटल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक हो गई, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली, क्योंकि दो यही एनर्जी इन्वॉल्व है और कोई एनर्जी इन्वॉल्व भी नहीं है। तो ब्लॉक की दोनों काइनेटिक एंड पोटेंशियल और पुली की सिर्फ रोटेशनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू बी पॉइंट पर। जब ये मास बी पॉइंट पे आ गया तो टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली को इक्वेट करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले ये बताओ, जब ये मास यहां पर था इसकी पोटेंशियल क्या है, एम जी एच, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एम जी एच, और क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ था तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ब्लॉक की, जीरो, और क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ था तो पुली की एनर्जी भी क्या रही, जीरो। अब जब ये यहां पे था रास्ते में तो इसको ग्राउंड मान लिया, तो पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। वी वेलोसिटी है इसकी, तो काइनेटिक क्या हो गई, हाफ एम वी स्क्वेयर, और साइमल्टेनियसली पुली भी तो घूम रही होगी, पुली की एनर्जी क्या लेंगे यहां पर, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, वो खड़ी खड़ी घूम रही है, तो ए पॉइंट पर वो घूम नहीं रही थी, बी पॉइंट पर वो घूम रही है, तो इन्हें मैंने इक्वेट कर लिया। अब यहां पर मेरे को वी निकालना है, मुझे ओमेगा तो निकालना नहीं है पुली का, तो ये एम जी एच इसके इक्वल आ गया, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम जी एच माइनस हाफ ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ गया। पुली का मास डिफरेंट है ब्लॉक से, तो पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ बड़ा मास इंटू रेडियस स्क्वायर, पुली का मास डिफरेंट है, बड़ा एम लिया, और क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है पुली के लिए ब्लॉक की, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर कर लिया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर सॉल्व करते रहना, वी निकाल लेना जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मेन पार्ट तो ऊपर ही था कि इक्वेशन कैसे बनानी है, फिर आप वेलोसिटी तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेशन से निकाल ही लेंगे। अब आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है, जो अपनी लगाया इसमें लगाएं, आप कहेंगे ब्लॉक का मास नहीं गिवन, ब्लॉक का वेट गिवन है, कोई बात नहीं, ब्लॉक का वेट है डब्ल्यू, ब्लॉक का वेट क्या है एम जी, छोटा एम जी, तो मास जहां जहां चाहिए वहां डब्ल्यू बाई जी पुट कर लेना, लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन और देखो इसमें वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड क्या आएगी, देख लिया आपने कैसे कट गया वो आर आर आर, ट्राई कर लो एक बार खुद अपने हाथ से लगाओ।
मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही किया जैसे अभी डिस्कशन कर रहे थे. मैंने यहाँ पर जब ये ब्लॉक था तो एम जी एच लिया, काइनेटिक्स जीरो है, और जब नीचे आ गया तो हाफ एम वी स्क्वायर लिया, और डिस्क की क्या ली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बस फर्क ये है कि मैंने ब्लॉक के मास को डब्ल्यू बाई जी पुट कर लिया, ब्लॉक के मास को डब्ल्यू बाई जी पुट कर लिया. मोमेंट और इनर्शिया, डिस्क का मास एम होगा, वो डिफरेंट होगा ब्लॉक के मास से, और ये ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आगे मत सॉल्व करें, पूरी इक्वेशन में आर उड़ गए, फिर निकालोगे कहाँ से, इंडिपेंडेंट ऑफ आर मार्क कर दो, खत्म. या जो भी वी आएगा उसमें आर थोड़ी ना आएगा, आर तो हट ही गया, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आंसर है. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? आर तो बचेगा ही नहीं, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना है. ठीक है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है. मतलब इस ये तो पता ही है कि इस जो मैंने बुकलेट में क्वेश्चन दिखाया उसमें दिख गया था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वैसे कैंसिल ही हो गया था, उसमें भी हम ध्यान से देखा नहीं. ऐसे हर क्वेश्चन में आर स्क्वायर कैंसिल ही हो जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आर बचता नहीं है, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आप कह रहे थे उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आर स्क्वायर ओमेगा के आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा ही करेगा. इसलिए वो सेम ही होती है, टेंजेंशियल सेम होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क लिखो, 9 होमवर्क है. 10th यही न्यूमेरिकल है सेम. हाँ, 9th, 10th की 9th, 10th अ व्हील एक्सल, वो जो सेंटर से पास करते हैं उसमें जो व्हील है, ये इसका एक्सल है, इसके अबाउट घूम रहा है ऐसे. एक्सिस, तभी तो नाम एक्सिस आया है, एक्सल एक्सिस एक ही नाम है. होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन है, बस ये न्यूमेरिकल है, मतलब वो वेरिएबल है, ये न्यूमेरिकल है. तो ये होमवर्क लिखो 10th. क्वेश्चन नंबर 11th आज हमने किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन करने से ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हो जाती है जब वेलोसिटी, तो वर्क डन इज हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर. होमवर्क लिखो, इसे करके आना है. ये क्वेश्चन नंबर 12th, व्हेन अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मूव डाउन इंक्लाइन प्लेन, तो कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी विच इज रोटेशनल इज अप्रॉक्सीमेटली, तो वही फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रोटेशनल निकालने सिखाई थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से डिवाइड कर लें. अब ये बॉडी की शेप क्या है, स्फीयर, तो केस और फ्रैक्शन है 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ जाएगी, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आएगा, 2/5.
स्फेयर के लिए आई क्या आएगा, 2/5 एम आर स्क्वायर। रोलिंग में वी क्या होता है, आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 2/5, हाफ से हाफ, एम से एम, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर, सब कैंसल, सॉल्व कर लो, 28% आंसर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे परसेंटेज निकाली जाएगी इसमें, ठीक है। ठीक, रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, रोल ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन, रोल तो रोल है, रोल तो बहुत बड़ी टर्म है यार, रोल बॉडी टायर रोल कर गया, रोलिंग में। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अगला, एक मिनट, सॉलिड डिस्क फर्स्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है वो विदाउट स्लिपिंग, देखो विदाउट स्लिपिंग तो पीछे हमेशा लगा ही होगा, इसका मतलब प्योर रोलिंग है, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एप्लीकेबल है। एंड देन स्लाइड्स विदाउट रोलिंग, सिर्फ स्लाइड करता है दूसरे केस में, पहले केस में रोल करता है, दूसरे केस में स्लाइड करता है। जब रोल करता है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जब स्लाइड करता है तो जी साइन थीटा। तो क्या करना है, वेलोसिटीज इन टू केसेस आर इन द रेशियो ऑफ, तो मैंने पहला केस ले लिया स्लिप करता है और दूसरा केस ले लिया रोल करता है। तो जब वो स्लिप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो बॉडी की जीरो है इंक्लाइन प्लेन से, तो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइडिंग या स्लिपिंग के केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा, और रोलिंग में क्या होती है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये बॉडी सॉलिड डिस्क है तो डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ, तो इसकी रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे एक्सेलरेशन चेंज करनी है आपको स्लाइडिंग में, रोलिंग में, स्लाइडिंग में जी साइन थीटा पुराना केस है, रोलिंग में जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है यहां तक, ठीक है। सी √6/3, ये क्वेश्चन होमवर्क हमने कर लिया, शीट में बुकलेट में था, ये होमवर्क है। 15th क्वेश्चन कर लो, ऑप्शन ए, ए ए आ रहा है। तो बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है जो आज हमने किया था, बस एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। वो कह रहा है एक हॉलोस्फेयर है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी ओमेगा, सडनली स्टॉप्स। अब की बार सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हुई, सिर्फ कितनी हुई, 75% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, स्पेसिफिक हीट आपको पता है। और एक और भी चेंज है, स्पेसिफिक हीट के यूनिट चेक करो जूल्स में, तो चलो अब जे का कोई चक्कर नहीं है, मतलब सब कुछ जूल में चलेगा। तो इसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा लगता है, पर इस केस में क्योंकि सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हुई, इसका 75% हुआ, तो इसका 75% ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो निकाल लो आई सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5, और सॉरी हॉलो का क्या होता है 2/3 एम आर स्क्वायर डेल्टा थीटा निकाल लेना, आंसर आएगा, ठीक है। रूल तो वही है, बेसिक रूल सेम है।
कैसे? हाँ वैसे तो कर सकते हो, ये ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को किया हुआ है। शीट नंबर 38, 38 का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। देखो क्या कर रहे हैं इसमें, वो कह रहे हैं अ बॉडी इज रोलिंग रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशन। अब दो ही तो एनर्जीज होती हैं, या तो रोटेशन या ट्रांसलेशन। वो कह रहा है कि रोल कर रही है और रोटेशनल और ट्रांसलेशन बराबर है, तो बराबर कर दिया। बॉडी की शेप बताओ, तो ओमेगा क्या होता है रोलिंग में, वी बाय आर, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ से वी स्क्वायर कैंसल हो गया और आई क्या आ गया, एम आर स्क्वायर, यानी कि बॉडी क्या निकलेगी, रिंग। ठीक है यहाँ तक, तो दोनों एनर्जी को इक्वेट करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। दो सेकंड है, आ गया। देखो इसमें करना ही कुछ भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आई की वैल्यू उसने दे दी। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट जीरो है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में रोलिंग नहीं बोला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बोला, रोटेशनल करना है सिर्फ। तो ये एनर्जी कितनी है, 1500 है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 मस्ट बी अप्लाइड अबाउट एक्सेस, कह रहा है अल्फा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको काइनेटिक एनर्जी तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1500 चाहिए, आपको आई की वैल्यू भी गिवन है 1.2। तो एक काम करते हैं, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी अप्लाई करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस 25 इंटू टी कर लें। तो मैं इस ओमेगा को यहाँ पुट कर लो, टाइम निकाल लो आंसर, क्योंकि जब ओमेगा टी टाइम पर कितना हो जाएगा, 25 इंटू टी होगा। तो यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेना, टी की वैल्यू आएगी, चेक कर लो दोबारा। पता ही है अगर अल्फा गिवन है, ओमेगा नॉट जीरो गिवन है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तो लगेगा ही लगेगा, पक्की बात है। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा नहीं पता ना, तो ओमेगा आपको रोटेशनल काइनेमेटिक्स से निकालना पड़ेगा, तो वहाँ से निकाल के ऊपर पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है, क्या हुआ है देखो, तो ये रहा काइनेटिक एनर्जी, पुट कर दी 1500, आए पता है ये 25 इंटू टी, 25 का स्क्वायर, 25 इंटू टी स्क्वायर आंसर आएगा। तो टी टाइम पे ओमेगा निकाल लो ना, जब एनर्जी 1500 है। थोड़ा चेक करता हूँ,
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड का बोल रहे हो, थर्ड का आंसर बी है। होमवर्क है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, नहीं करना, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क लिखो, 5 होमवर्क है। 6 होमवर्क लिखो, 6 होमवर्क है, बिल्कुल बेसिक है। 7th होमवर्क लिखो, 8th करो। इसका सी है। तो क्या क्वेश्चन है, बॉडी रोल कर रही है, क्या निकालना है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशनल। आज हमने किया रोटेशनल एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर रोटेशनल आएगी और नीचे टोटल आएगी। अब आए किसी भी बॉडी का, बॉडी मेंशन तो की नहीं, तो किसी भी बॉडी का आए क्या होगा? एम के स्क्वायर, गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, क्योंकि आंसर के की फॉर्म में है, और ओमेगा की जगह वी बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो नीचे एज इट इज, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, एम से एम कैंसल, और यहाँ से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करो, आंसर नंबर सी आ रहा है, चेक करो। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, होमवर्क है नेक्स्ट। सारा का सारा होमवर्क है। ये क्वेश्चन कह रहा था मैं, वो पूरी रॉड नीचे नहीं गिरी, तो रॉड थोड़े एंगल पे गिरी। आप ट्राई करके आना यार, तभी बात बनेगी। तो जो भी आप करोगे, चलो देखते हैं फिर, कल नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। पी वाई क्यू की शीट दो, पी वाई क्यू वाली शीट दो। पेन ओपन करो, पी वाई क्यू की शीट ओपन करो। ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन मार्क करने हैं जो इस शीट के साथ आपने होमवर्क करके लाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206 मार्क करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 206, क्वेश्चन नंबर 207 लिखते जाओ, पेन से लिख लो। 206, 207, 208, 209, 211, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 37। ये आज के लेक्चर एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। बस कभी आपने देखा होगा फिगर में कोई बॉल नीचे आ रही है, कोई बॉल ऊपर जा रही है, एनर्जी कंजर्वेशन। आप ट्राई करना, अगली बार साइड डिस्कशन तो कर ही लेंगे। आप कम से कम ट्राई तो करके आए, कुछ क्वेश्चन तभी ख़त्म होगी। और